तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेहद खास, क्योंकि आपको बताएं कि वतन वापसी हो रही है। जो इसराइल से भारतीय यात्री पहुंचे हैं उनका स्वागत हो रहा है। यहाँ पर ऑपरेशन अजय के तहत दूसरी फ्लाइट पहुंची है और इनके चेहरों को आप पढ़ सकते हैं, ये खुश नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा था कि जब पहली फ्लाइट पहुंची थी तो उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया था, परिवार के साथ बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय नाम दिया है और प्रियंका मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है। प्रियंका, ओवर टू यू। देखिए तस्वीरें दर्शकों को तमाम हम दिखा रहे हैं कि वो तमाम 235 लोग जो ऑपरेशन अजय की दूसरी फ्लाइट से आज आए हुए हैं, वो एयरपोर्ट की तस्वीरें लगातार तमाम दर्शक देख रहे हैं। ये 235 लोग जो हैं इसराइल से आ रहे हैं और कल भी इसी तरीके से जो पहली फ्लाइट ऑपरेशन अजय के तहत आई थी उसमें 212 लोग आए थे, आज ये संख्या और बढ़ी है। आज एयरपोर्ट के अंदर की अगर बात करें तो एमएस एजुकेशन मिनिस्ट्री से जो मिनिस्टर हैं वो अंदर मौजूद है तमाम लोगों के रिसेप्शन के लिए। साथ ही जिस तरीके से लगातार बता रहे हैं कि हर एक स्टेट से भी जो हेल्प डेस्क है वो अंदर ही बनाया गया है ताकि स्टेट वाइज भी ये जानकारी मिलती रहे कि तमाम लोग कौन लोग कौन से स्टेट के हैं और कितने लोग वापस आ चुके हैं, क्योंकि बताया जा रहा है तकरीबन 18,000 के लगभग संख्या जो है इंडियंस की इसराइल में बनी हुई है और ऐसे में वो तमाम लोग जो वापस आना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए इस ऑपरेशन को चलाया है। 235 लोगों की बात अगर आज करें तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं जो एयरपोर्ट से बाहर की तरफ आ रहे हैं और ऐसे में थोड़ी ही देर में तमाम लोग जो बाहर होंगे उनसे उनके एक्सपीरियंसेस भी वहां पर जानेंगे। लेकिन खास बात ये कि कल भी जो 212 लोग इसराइल से वापस आए थे उनकी अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि यूथ तो इसराइल हमेशा कॉम्बैट मोड में रहता है लेकिन जिस तरीके के अभी एक्सपीरियंसेस बने हुए हैं वो किसी के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि एस्केलेट होता जा रहा है, मामला बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो लोग हैं उनके लिए डर का माहौल वहां बना हुआ। हालांकि लगातार वो बता रहे हैं कि इसराइल में तमाम लोगों के घरों पर शेल्टर होम्स रहते हैं जिससे कि सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहती है, पर एक सुकून जो है अपने घर वापसी का वो सबके चेहरों पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। ठीक है प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ, ये बेहद खास तस्वीरें न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय लौटे हैं, स्वदेश वापसी पर बेहद खुश हैं। 235 लोग दिल्ली लौट चुके हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और दूसरी फ्लाइट आज यहां पर पहुंची है। ऑपरेशन अजय इसको नाम दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि वो भारतीयों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और आपको बताएं कि अभी भी 18,000 भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए लगातार फ्लाइट्स चलती रहेंगी। ऑपरेशन अजय के तहत इनकी वतन वापसी हो रही है, इनके चेहरों को आप पढ़ सकते हैं और जब ये बाहर निकलेंगे तो अपने एक्सपीरियंसेस भी बताएंगे। प्रियंका मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, अब कुछ देर का इंतजार और जब वो गेट से बाहर आएंगे और आप उनसे बातचीत करेंगी। जी बिल्कुल, और देखिए जो तस्वीरें फिलहाल तमाम दर्शक देख रहे हैं तो जैसे ही फ्लाइट से वो उतरे हैं उनके स्वागत का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर राजकुमार रंजन सिंह एमएस एजुकेशन है जो इनके स्वागत के लिए, इनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी तरीके की तस्वीरें कल भी हमने देखी थी। कल भी यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने इन तमाम लोगों का स्वागत किया था। आज इन्हें रिसीव करने के लिए जो एमएस एजुकेशन है वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही आप तस्वीर देख रहे हैं कि ये लोग जो है ये फ्लाइट से जब उतरे हैं एयरपोर्ट पे ये आए हुए हैं, उसके बाद की तमाम तस्वीरें जहां पर मंत्री इन्हें रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर 235 लोग ऑपरेशन अजय के तहत ये दूसरी फ्लाइट है जो आज दिल्ली पहुंच रही है, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंच रही है और ऐसे में कल भी यहां पर 212 लोग जो थे वो पहुंचे हैं और ऐसे में अब जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है अगर बात की जाए, जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करके आते हैं तो ऐसे में आप अपना लगेज समेटने के बाद एक इमिग्रेशन की प्रोसेस होती है, बस वही एक प्रोसेस है जिसमें समय लग रहा है। ऐसे में रिसीव करने के बाद ये तमाम लोग जो हैं वो इमिग्रेशन कराते हुए बाहर निकलेंगे। थोड़ी ही देर बाद के बाद ये तमाम लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पर बाहर होंगे। लेकिन सबसे खास तस्वीर ये इस वजह से क्योंकि जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जोन फिलहाल इसराइल बना हुआ है, जिस तरीके से हमास का अटैक हुआ और जैसी अभी स्थितियां बनी हुई है, जिस तरीके से इसराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो ऐसे में तमाम लोग वहां पर जो रह रहे हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से जैसे ही सरकार ने ऑपरेशन अजय को अनाउंस किया और वो उसके बाद जो है तमाम लोग जो है वो बाहर वो तमाम लोग एम्बेसी के कांटेक्ट में आए और उसके बाद अब उनका इंडिया यानी भारत वापस आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। हलचल बढ़ गई है एयरपोर्ट पे भी अगर बात की जाए तो जो लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं, एक एक करके लोग बाहर पहुंच रहे हैं और यहाँ देखें कि एक आध लोगों के जो है वो पहुंचने लगे हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके का एक्सपीरियंस
उनका रहा है और ऐसे में देखिए लगातार लोग बाहर आ रहे हैं। सर इजराइल से, सर कैसे सिचुएशन बनी हुई है सर? क्या है? सही है, सब सही है, सब सही है। एंड ऑपरेशन अजय के बारे में क्या कहेंगे जिससे आप लोग पहले यहाँ आ गए? दिस इज वेरी नाइस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आई रियली अप्रिशिएट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड स्पेशली पीएम मोदी जी। जो देखिए बाहर जो आ रहे हैं लोग वो वहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ सिचुएशन जो है ठीक है, फिलहाल सेफ है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने लगातार बताया कि ये जो स्थितियां इसराइल के लिए नई नहीं है, कॉम्बैट मोड में रहता है हमेशा इसराइल और ऐसे में तैयारियां भी उस हिसाब से रहती है। तो वो कह रहे हैं कि वैसे तो हालात ठीक बने हुए हैं लेकिन जो इनिशिएटिव लिया गया ऐसे में हालात कब खराब हो जाए, इसी के मद्देनजर ये जो लोग हैं उन्होंने वापस आना जल्दी बेहतर समझा क्योंकि सिचुएशन कभी भी एस्केलेट हो जाती है और ऐसे में ये तमाम लोग जो हैं देखिए ये बाहर जो हैं वो आ रहे हैं जो एक एक करके देखिए सबसे बात करने की कोशिश यहाँ पर रहेगी लेकिन बिल्कुल इमिग्रेशन जिनके हुए हैं वो एक एक दो दो लोग बाहर आ रहे हैं और साफ तौर पे